देखिए कंसेप्ट क्या आपके पास, आपने कहा कि अर्थ जो है कंटिन्यूअसली, या अर्थ है मून उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। आपने कहा कि अर्थ कंटिन्यूअसली जो है मून को अपनी तरफ खींच रही है, फिर भी जो मून है वो अर्थ पे नहीं गिरता, ठीक है। अर्थ कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट द मून टुवार्ड्स इट्स सरफेस। व्हाई द मून नॉट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, फॉल नॉट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ जो है कंटिन्यूअसली मून को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, फिर भी मून जो है अर्थ के सरफेस पे क्यों नहीं गिर जाता? रीजन सुनिए बच्चों, ये अर्थ है आपके पास सेंटर पे, और ये है आपका मून, ये अर्थ है और ये आपका यहाँ कहीं पे मून, ठीक है। इन दोनों में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसके साथ साथ ही अर्थ इसको क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो प्रोवाइड हो रहा है ना, क्योंकि वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या हो रहा है आपके पास? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपके पास जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है पीछे, एमवी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है और ये वैल्यू किसकी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी इसकी तरफ मूव कर रही है, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें भी ध्यान रखना कि जब भी मैं बात करूँ कि इस बॉडी की वेलोसिटी निकाली है, कोई प्लेनेट है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो सिचुएशन में वेलोसिटी बताइए। तो जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन की बात करूँ तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा वहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा होगा बच्चों? बैलेंस। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी मून अराउंड द अर्थ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो रिवॉल्व ही नहीं कर सकता, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से, ये देना सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। नोट करिए जल्दी से इस पॉइंट को। इस पॉइंट
पॉइंट की, इसको पॉइंट ए कहते हैं, मैं इसको पॉइंट बी कहती हूं। तो इस बी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी बच्चों, जी एम वन बाई आर का स्क्वायर, आर का डिस्टेंस ठीक होगी। अब मैं इन दोनों की यहाँ पे फोर्स निकालू, मैं इस पॉइंट पे क्या निकालू, बी पॉइंट पे फोर्स। तो फोर्स एफ क्या होगा, देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई एम, उस पर्टिकुलर रीजन में फोर्स डिवाइड बाय मास, क्या बन जाएगा फोर्स एफ, क्या बन जाएगा एम इंटू ई, ये लिख सकते हो। तो आपके पास मैं इस पॉइंट पे अगर फोर्स की बात करूं, तो इस पॉइंट पे फोर्स कैसे लिख सकती हूं मैं, मास क्या है बच्चों हमारे पास एम टू, और इसमें फील्ड किसके कारण है, एम वन के कारण। अरे इस पॉइंट पे फील्ड किसके कारण होगी, एम वन के कारण होगी, और एम वन के कारण फील्ड कितनी है, जी एम वन बाई आर का स्केल। तो आगे आ गया जी एम वन एम टू अपॉन में आर का स्केल, देखो वही ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे बात कर सकते हो, मान ले मैं कहूँ इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, तो इस पॉइंट पे फील्ड किसके कारण होगी बच्चों, एम टू के कारण, तो जी एम टू बाई आर का स्केल। इस पॉइंट पे मैं फोर्स की बात करूँ, तो फोर्स क्या बन जाएगा आपके पास, इसको आप एफ टू लिख लो, इसको आप एफ वन लिख लो वन पे, तो एम वन इंटू में ए, एम वन ए की वैल्यू जी एम टू बाई आर का स्केयर, तो एफ वन फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, जी एम वन एम टू बाई आर का स्केयर। नोट करिए ये कंसेप्ट भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। पार्टिकल्स, देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल्स, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये दो पार्टिकल हैं, ये किसमें हो रहा है आपके पास, ये इसके चारों तरफ, ये एक मास m है, ये एक मास यहाँ पे m है, कुछ भी मास मान लिया, और ये एक दूसरा मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास क्या है आपका m है, ठीक है। ये इसके चारों तरफ सर्कल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस सर्कल में इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, देखो हमेशा ही डायमेट्रिकली एक डायरेक्शन में होंगे एक पॉइंट में। तो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा, जी एम एम बाई, देखो मास सेम है ना, एज ऑफ मास क्या है सेम, तो इसकी भी रेडियस आर होगी, इसकी भी क्या होगी आर होगी, डायमेट्रिकली हमेशा वो एक डायरेक्शन में होगी। तो आर आर क्या बन गया, ये टू आर का स्केल, क्या बन जाएगा, जी एम स्केयर बाई फोर आर का स्केल। वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी मैंने बताया एम वी स्केयर बाई आर, ठीक है। सर्कुलर मोशन में बॉडी कब मूव कर पाएगी, जब ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस करेगा किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो क्या लिखोगे, एफ जी बराबर एफ सी, तो एफ जी की वैल्यू कितनी हो चुकी यहाँ से, जी एम स्केयर बाई फोर आर का स्केयर एम वी स्केयर बाई आर, ठीक है। ये यहाँ से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आर रेडियस आर कैपिटल लिखो, इधर कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा यहाँ से आर से एम से एम कैंसिल, वी स्केयर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से आपको, जी एम बाई फोर, एक आर में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा फोर आर, वी की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, जी एम 4R का अंडर,
तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, स्पीड ऑफ द इंजन पर। नोट करिए जल्दी से। सिंपल सी कांटों से सर्कल में जाएगा तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये वैल्यू आप पुट कर दो सॉल्व। ठीक है, जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द मेन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज दिस। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन। क्या निकालना है, मास ऑफ द सन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बात करेगी कि अर्थ सन जो है, सन के अराउंड अर्थ क्या करती है, आपकी रिवॉल्व करती है। ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस का मतलब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। क्या बनेगा ग्रेविटेशन फोर्स, क्या बनेगा, एफ इंटू एफ जी इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई आर का स्क्वायर। रिवॉल्व कब कर पा रही है, जब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण अर्थ क्या करे, रिवॉल्व कर पा रही है। तो ये आर्थ मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द सन। कैपिटल एम इसके लिए मास ऑफ द सन। दोनों में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ये होगा, इसका मास मैंने एम वी कह दिया, इसका मास मैंने एम एस कह दिया। ठीक है, अरे बड़ा सा बनो, ये आपके पास सन है, तो सन का मास एम एस कह दिया, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो इसका मास क्या कह दिया मैंने, एम वी कह दिया। ठीक है, तो दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होगा, आर वी का डिस्टेंस बिटवीन देम। जो रिवॉल्व कर रही है इसका मतलब रिवॉल्व कब करेगी, तो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने हमें कुछ नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ द सन की बात करें, तो देखो थोड़ा सा जनरल हमें पता होना चाहिए कि अर्थ कितने टाइम में सन के चारों तरफ अपना चक्कर लगाती है, 1 ईयर। तो टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का, 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब कितना होगा, 365 इतने टाइम में वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल मोशन में ये कहते हैं वेलोसिटी की फॉर्म, सर्कुलर मोशन में जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो ये पुट करो बच्चों यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ से आपके पास जी एम एस एम ई by r का स्केयर, या r सेम ही है बच्चों, अलग अलग नहीं लिखना, m e by r, वेलोसिटी v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 by r by t का स्केयर, m से m क्या हो गया कैंसिल, g m s by एक r से एक r कैंसिल, तो आया 4 by स्केयर r स्केयर by t का स्केयर। मुझे मास ऑफ द सन चाहिए, ठीक है, तो मास ऑफ द सन क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, आर ऊपर जाएगा तो आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी। अब आपके पास आर डिस्टेंस दे रखी है उनके बीच की, ये दे रखी आर डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 1.5 × 10⁻⁸ आर दे रखा है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता है, टी टाइम पीरियड भी पता है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है, ये सब डाटा यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या कर लेंगे उसको सॉल्व करके। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं लिखती हूँ इधर, मैं इधर सॉल्व करके लिख देती हूँ, एम एस 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 1.5 × 10⁸ का क्यूब। ठीक है, ये टी कितना, 365 × 24 3600 इंटू जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.67 × 10⁻¹ गुना वाक्य करना आता है बच्चों, नहीं आता। ठीक है, सिंपली क्या करा हो, पहले पावर पावर को बैलेंस कर लिया, 10 की पावर, जैसे ये 2 जीरो या 11 या फिर 24 हो जाएगा,
फिर आप उसे मल्टीप्लाई और गुणा करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻³० किलोग्राम। ये क्या आ जाएगा, मास होता है। ये जनरल ऑर्डर भी ध्यान रखना कि मास का जो सन का जो मास है ना वो 10⁻³० के ऑर्डर में होता है। सन का जो मास होता है ना वो किसके ऑर्डर में होता है, 10⁻³० के ऑर्डर में यहाँ पे लाइक। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। देखिए बच्चों आपका एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम ग्रेविटेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैज द मास डेंसिटी इज दिस, वेयर रो नॉट इज द कांस्टेंट, इट्स मास एम हैज अंडरगोस सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द मास। ठीक है, इट्स फील्ड बी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बताइए स्पीड वी का यहाँ पे कौन सा वेरिएशन होगा, आपको बताना है कि यहाँ पे स्पीड वी का क्या वेरिएशन होगा। तो देखो बच्चों अभी मैंने बताया आपको कि फोर्स एम क्या होता है, एम वी, तो बात कर रहा है आर लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, रो नॉट डेंसिटी कॉन्स्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो हमने सेल के अंदर बात करी थी, सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो ई जो है अंदर की जो आर लेस देन आर था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों इसके आर। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू में आर। फोर्स है एम इंटू के इंटू में आर। जब वो मूव कर रहा है बच्चों सर्कुलर मोशन में तो क्या लिखोगे, एम वी स्केयर बाई आर बराबर एम इंटू के इंटू में आर। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वी स्केयर बराबर हो जाएगा यहाँ से के इंटू आर का स्केयर। तो वी किसके बराबर हो जाएगा, रूट के इंटू आर। कहने का मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। फोर आर जो वेलोसिटी है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर। देखो सिंपली बताया मैंने, इट हैज मास अंडरगोस दिस मोशन इन द सर्कुलर मोशन बच्चों, तो सेंट्रिपेटल फोर्स की बात करेंगे यहां पर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन है लाइन इसके बाय आर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एफ क्या होता है, एम वी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द आपके पास सेल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के अंदर जो बात करी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, आर के। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू एम इनटू के आर हो जाएगा। सेंट्रीपेटल फोर्स लगाओगे तो एम वी स्केयर बाय आर। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार इधर से हटा दूं मैं। दूसरे केस की बात कर रहा है बच्चों को यहाँ पे, तो देखो मेरे पास पहले केस में क्या है, एफ इज इक्वल टू एम वी, तो मुझे पता है कि स्फीयर के अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। मैंने ई लिखा बच्चों के आर के बराबर, एफ फोर्स के आ गया एम इंटू के इंटू आर। फोर्स सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्केयर बाई आर हो जाएगा, एम के इंटू में आर। एम से एम बच्चों कैंसिल, तो वी स्केयर किसके बराबर हो गया, के इंटू आर स्केयर। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे बच्चों यहाँ से अंडर रूट लगाओगे किसके, आर। इतनी बात समझ आ गई। तो ये केस कब है बच्चों, पहला केस जब r लेस देन इक्वल टू r, उस केस की बात कर रहे हैं। डेंसिटी कांस्टेंट है बच्चों, r ग्रेटर देन के लिए तो जीरो होगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें ग्राफ में वेरिएशन देखना है बच्चों। इतना नोट हो गया, अब बात करते हैं बच्चों आउटसाइड की। इतना नोट करिए जल्दी से इसको कि जो डायरेक्टली होगा तो इस केस में आपके पास ये वैल्यू होगी। हो गया बच्चों नोट, जब r लेस ग्रेटर देन r की बात करें बच्चों, फोर r ग्रेटर देन r, r ग्रेटर देन r के लिए लिखेंगे बच्चों इधर लिख दूं मैं, और r ग्रेटर देन r, r ग्रेटर देन r के लिए बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, जी एम बाई आर का स्केयर। तो फोर्स f क्या होता है, m ही उस पॉइंट के ऊपर, m e की वैल्यू बच्चों जी एम जो भी आपके पास मास बॉडी का, एम बाई आर का स्केयर। तो फोर्स एफ क्या आ गया, जी एम स्केयर बाई आर का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालोगे, सेंटीपेटल फोर्स लगा लो बच्चों, इसको हटा दो मैं, ये ऑप्शन आप लोग देख लेना। तो एफ क्या हो जाएगा, एम वी स्केयर बाई आर बराबर जी एम स्केयर बाई आर स्केयर। आर से आर कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो वी स्केयर क्या आ गया, जी एम बाई आर। तो वी आगे बच्चों रूट जी एम बाई आर,
मैं ऐसे कहती हूँ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट आर। ये कब आएगी जो वेलोसिटी की वैल्यू जब आर ग्रेटर देन किससे आर। आर लेस देन में क्या हो रहा है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ये कब था जब आपका आर लेस देन था किसके आर। तो ग्राफ का वेरिएशन देखो अंदर कैसे होगा बच्चों डायरेक्टली है तो ऐसे होगा अंदर डायरेक्टली है तो ऐसे होगा बाहर इनवर्सली है तो ये हो जाए। तो ये आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और ये आगे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। ठीक है तो इस तरीके का वेरिएशन वेलोसिटी के साथ आपका क्या करेगा लाइक। ठीक है ध्यान रखना इस कंसेप्ट को कि ऑप्शन देख लेना शायद आपका बी ऑप्शन था ये तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स सबको क्लियर हो गया इतना। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।